दोस्तों मैं विकास कोहली यूट्यूब पे अपनी सेकंड वीडियो लेके आ गया हूँ टेनिस के रिगार्डिंग। पोस्ट मैच टेनिस पर जो इस बार वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ, रात का मैच था जेनिट सिनर वर्सेस होल्डर रून। दोनों जन जनरेशन के प्लेयर थे, वो दोनों जन जनरेशन में कमाल का मैच हुआ है। देखा जाए ये वाले ग्रुप में एक मैच ये भी था जिसमें एक प्लेयर कोई मैच नहीं जीता और दूसरा प्लेयर ही मैच जीता। इस बार बाजी रून मारे थे, दो मैच जीते हैं इससे पहले और जेनिट सिनर को भी मैच नहीं जीते हैं। जेनिट सिनर इससे पहले भी ये वाले ग्रुप में वाला मैच खेल चुके हैं जिनके खिलाफ कोई मैच नहीं जीते हैं, फिर भी जीते थे जोकोविच के खिलाफ। सेम सिचुएशन थी और रून के खिलाफ भी वो पहला मैच अपना जीत दर्ज किया है और अपने ग्रुप में टॉप किया उन्होंने और अपने ग्रुप में तीनों के तीनों मैच जीते। 600 पॉइंट्स रैंकिंग में बहुत ज्यादा उछाल आने वाला उनको अगर ऐसा प्रदर्शन कंटिन्यू रखा। फिलहाल दोस्तों पोस्ट मैच एनालिसिस में पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और अगर अभी तक नोटिफिकेशन बेल को क्लिक नहीं किया तो कर लीजिए ताकि सारी अपडेट्स आपको मिल सके पोस्ट मैच प्री मैच सारे ब्लॉग्स के रिगार्डिंग। फिलहाल दोस्तों अगर मैं बढ़ूँ तो पहले सेट की ओर, पहले सेट में दबदबा रहा इटालियन के होम प्लेयर का, वो है जेनिट सिनर। सिनर ने बढ़िया प्रदर्शन किया, आते ही बढ़िया प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। लग रहा था कि भाई रून अभी सेटल हो नहीं पाए थे और जेनिट सिनर 4-0 से आगे चले गए थे। फिर रून धीरे धीरे गेम में वापसी की, अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रख रहे थे। दो बार रेड पॉइंट बट उन्हें चाहिए था सर्विस गेम ब्रेक जो कि वो नहीं कर पाया जेनिट सिनर की, इसलिए जेनिट सिनर जीते पहला सेट 6-2 से। सेकंड सेट में रून ने की वापसी, रून को ये मैच जीतना चाहिए था क्योंकि तभी वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करते हैं। और सेकंड सेट में उन्होंने बताया कि भाई क्यों जीत उनके लिए जरूरी है क्योंकि सेकंड सेट वो जीते हैं 1-1, 2-2, 3-3 करके 5-5 पे तो आ गया। उसके बाद उन्होंने सर्विस गेम ब्रेक की, जेनिट सिनर की अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा और 7-5 से सेकंड सेट जीता बढ़िया प्रदर्शन करते। अब आ गया डिसाइडर सेट, भाई डिसाइडर सेट में जो जीतेगा वे ही बढ़िया प्रदर्शन करते, मैच तो कब्जेगा ही कब्जेगा। और अगर होल्डर रून जीत जाते हैं तो ज़्यादा फायदा होगा रून को क्योंकि रून क्वालिफाई हो जाएंगे। सिनर तो क्वालिफाई है ही है, सिनर को फायदा ये होगा क्योंकि पहली विक्ट्री हो गई अगेंस्ट रून और वो रैंकिंग पॉइंट्स में 200 पॉइंट्स एक्स्ट्रा अर्न करेंगे। और इस बार जीते हैं रैंकिंग पॉइंट में एक्स्ट्रा अर्न किए हैं 200, वो हैं जेनिट सिनर। कैसे प्रदर्शन किया, एकदम बढ़िया प्रदर्शन करने को मिला। बट इस बार ये नहीं कि पहले सेट की तरफ वन साइडेड अफेयर है, इस बार सर्विस गेम ब्रेक की, एक बार सर्विस गेम ब्रेक की और 6-4 से वाला सेट जीता और मैच जीता 2-8 से। अगर मैं स्टैट्स पे नजर डालता हूँ हेड टू हेड रिकॉर्ड में ये तीसरा मैच था। पहले मैच में जेनिट सिनर रिटायर हो गए थे जिसमें रून को विजेता घोषित किया था, उसके बाद होल्डर रून ने जीता था मैच और आज पहला मैच जीते हैं जेनिट सिनर। 1-2 से हेड टू हेड रिकॉर्ड में बने हुए हैं, अगली बार चाहेंगे कि जीते और 2-2 से बराबरी। अगर मैं ये मैच के स्टैट देखूं, देखा जाए तो 10 प्लस एसिस दोनों प्लेयर्स ने लिए। मेन आता ब्रेक पॉइंट्स काफ़ी बार दोनों प्लेयर से कन्वर्ट हुए हैं बट सिनर ने ज़्यादा कन्वर्ट किए हैं और इसी के कारण ये मैच जीते हैं। और रून को चाहिए होगा कि अगली बार उनकी सर्विस गेम कम ब्रोक हो और वो ज़्यादा खुद ब्रेक कर पाएँ। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए चलता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और ये ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि रून अपना अगला टूर्नामेंट कैसा प्रदर्शन करेंगे और जेनिट सिनर अपने आने वाले मैचेस में कैसा प्रदर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।